कदे सथ मंग दिए कन्ना वाले चुम के ते कदे मंगे मथे वाला टिकानी चन जय मुखड़े नु लोड किए गहने दी मुख अगे चन लगे फिकानी अपने गले दी होर रौनक बदा लै दिल दा तवीत मन गल विच पा लै वी मन नौकरी ना तंग नी वो मंगना ते दिल मानी दा मंगनी मैं थो मंगन लगी ए कुछ होरे मैं क्या हमला जानी मैडम ये पुराना कोई मुझे नवा लग रहा है इसको पहले कभी नहीं देखा इसे नया हो या पुराना हमारा काम उसको सर्व करना है जाके पूछ के उसको क्या चाहिए और सदके जाऊं तेरी तकड़ी पे और मैं सदके जाए मानी सिंह सदके वारी वारी जाए देखो तो इतनी जरा है रो वैसे डाल रहे जैसे अंदर ड्रोन सुटना आया है खामोश रहकर जाके उससे पूछ के आओ देखिए जी जैनी मैडम मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है उन जैली दो नंबर सेल्फ मेड किस्म के अंग्रेजों के ऊपर जो अपनी चिट्टी चमड़ी का नजायज फायदा उठाते हैं मानी सिंह डोंट लाइक दिस इन एनी वे मानी सिंह अच्छा जी जा रहे मानी सिंह जा रहे हैं इंडिया मानी सिंह ओ कदे सब मंग दिए मिस्टर जॉन हाउ डू यू नो माय नेम तुम्हें कैसे पता मैं जॉन ओ जी मानी सिंह का बड़ा तजुर्बा है कि जितने भी अपने आलू अंग्रेज होते हैं ना सेल्फ मेड इनके ऐसे नाम होते हैं टोनी पीटर रॉबर्ट जॉन आप शक्लों जान जान से लगते हैं तुम यहाँ काम करते हो नहीं जी मैं जहाज उड़ाता हूँ पायलट हूँ इधर काम ना करता तब तो मैं तेरे को लाना था मैंने ऐडा कुछ सोना नहीं तू बस चिट्टा है माइंड योर लैंग्वेज तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो मैं जानना भी नहीं चाहूंगा मानी सिंह आप बड़ी वड्डी है इतने बापू दी मार तो नट के दाड़ी खिदमत कर रहे हैं इतने अच्छा फिर बोले हो और यहाँ नहीं मिलती वो हम पाकिस्तानी है वो चाहिए तो पड़ोसियों से रब्ता कर अच्छा रुको की तुम यहाँ कितने से काम कर रहे हो कोई 7, 6, 5, 4, 3 मैं कहा जान जी एक सवाल मैं भी पूछा जे तुसी अपनी बिस्ती महसूस ना करो ते पूछो ए कन्ना च वालियां पा के कैसा महसूस कर रहे हो चौ जूस लेके आओ लगता है महसूस कर गए आप लै गया मैं बैठो
बात है, तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे अपनी भी कहा थी। तुम्हारी नींद से भरी आंखों में कमाल हुसन दिखाई दे रहा है, जी चाहते देखता रहूं। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ। तो फिर कहो, मैं भी कोई बात सुनना चाहता हूं तुमसे। शायद तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि जो बात मैं तुमसे कहने वाली हूं तुम्हें अच्छी ना लगे। जो बात तुम्हें कहते हुए अच्छी लगेगी, यकीन करो वो मुझे भी अच्छी लगेगी। हमें और इंतजार करना होगा। क्या मतलब? मैं तुमसे भी शादी नहीं कर सकती। अचानक फैसला बदलने की वजह पूछ सकता हूँ? अच्छा ना ही पूछो तो बेहतर। झूठ ही बोलता हूँ, मैं तुम्हारे झूठ पे भी यकीन कर लूंगा। जब तक मामा का कातिल ना पकड़ा जाए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती। दुख दे सकती हो मगर धोखा नहीं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात का दुख है कि तुमने मुझ पर शक किया। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझ पर शक करना बहुत आसान है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी शादी का फैसला खुद करो, सिर्फ अपने आप को सामने रखकर। मुझे गलत मत समझो। लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और हमेशा की तरह जज्बात में आकर फैसला किया। मुझे लगता था कि तुम बदल गई हो, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। में मशहूर कर दिया कि याता बैंक मैनेजर लग गया है। ओ बापू, ओ इंजो कैसे हो सकता है? मैं ते बैंक मैनेजर? मैंने सारी बात कर ली है, बस तू घर बैठे बैठाए बैंक मैनेजर बन गया। ओ बापू, ओ मुझे क्यों जुतियां पड़वानी है पूरे पिंड से? मैं तो बूटी ला के पास हुआ हूँ। मुझे तो अपना नाम भी चंगी तरीके से लिखना नहीं आता। बता तो सही, वो कौन है पागल का पुत्र जिसने मुझे बैंक मैनेजर ही लगा दिया है? हैं? ओ वैसे बापू, इस मुल्क का अभी इतना भी बेड़ा गर्क नहीं हुआ। तू मेरी बात समझ नहीं रहा। मानी सिंह का एक बारी फिर बाहर जाने का मतलब समझता है क्या है? ना बापू, तू बता दे मतलब। छितर मारा है उसने मंगल सिंह की कंड पे। मेरे पुत्र के होते हुए वो बाहर के मुल्क टुर जाए और वो भी दूजी बारी? अब तो इज्जत का सवाल है। तुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे पिंड के लोग मानी सिंह के बारे में बातें करने के बजाय तेरे बारे में बातें करें। और मुझे पता है बैंक मैनेजर बन के ही तू लोगों की जिबानों पे ताड़ा लगा सकता है। भाई बापू, मुझे बैंक मैनेजर बनने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ये तो बता कि मुझे बैंक मैनेजर बन के
करना क्या पड़ेगा? जो कुछ भी करना है ना मुझको करना है, तुझे कुछ नहीं करना। मुझे कुछ नहीं करना ते तू फिर क्या करेगा? और मैं पिंड के लोगों वेरी वेरी इंटेलिजेंट वेरी वेरी शार्प मैन। मुझे इसने बताया था कि बस बाथरूम लैटरीन में नहीं बोलते, बाकी हर था चुप नहीं करना किते। चुप हो जा। पता नहीं पागल को मम्मा ने मेरे साथ क्यों भेज दिया, कहा भी था मैं अपना सामान खुद उठा लेती। तुम यहीं क्या बैठ जाओ। अच्छा जी बैठ गया। क्या कर रहे हो? ये आपने तो कहा बैठने का, कैसी बातें कर रही है आपने? बताइए ऊपर बैठ जाओ। अच्छा आप कहती हैं कि मैं पहले यहाँ पे कहीं मैं सीढ़ियाँ ढूंढू है और मैं सीढ़ियाँ ना मिले मैं इनके सोफे पे बैठू बिस्ती कराऊ है उनको पैड़ा लग जाए। नहीं क्या बोल रहे हो? अच्छा जी आप उनको बुरा ना लगे हैं तो आपको बुरा लगते हैं? मैंने ऐसा कब कहा? आपने खुद ही तो मुझे कहा था आगे ऊपर बैठू। ओह मेरा मतलब है बिस्ती पे जाके बैठ जाओ। अच्छा जी लिसन टू मी के पालने अपने शाम पर अर्मेश क्या हुआ ऐसा? यार मैंने राजम को शादी से मना कर दिया, वो घर छोड़कर जा रहा है। वो कह रहा है अगर मुझे उस पर एतबार नहीं है तो वो यहाँ नहीं रहेगा। प्लीज उसे रोक ले, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बस इतनी सी बात है और तुम इतना परेशान हो रहे? इतनी सी बात? वो मुझे छोड़कर जा रहा हो, तुम इसे इतनी सी बात कह रही हो? वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, मैं उसे समझा दूँ। देखो ना आज होटल भी नहीं आया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने उस पर शक किया, लेकिन तुम जानती हो ना कि मैंने शक क्यों किया। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम परेशान मत हो ना, मैं समझा दूंगी उसे। पता नहीं ये सारे काम होते कैसे हैं। सुनो अगर कल से वो नहीं आया ना तो मैं होटल ही बंद कर दूंगी, बता देना उसे। ऐसा कैसी बातें कर रही हो, ये होटल बंद नहीं होने वाला। अच्छा फिर तुम सुनो, तुम कल से आ जाया करोगी ना? मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ संभाल सकती हो। अगर मैं राजम के पास गई और मैंने उससे यहाँ पर आने की जिद की तो वो ये समझेगा कि मैं अपने काम के लिए सेल्फिश हो रही हूँ। इतना तो कर सकती हो ना? तुम चाहती हो मैं यहाँ आ जाऊँ तुम्हारे साथ काम करूँ? हाँ तो ठीक है, मैं यहाँ आ जाती हूँ तुम्हारे साथ काम भी करूंगी और राजम को भी समझा दूंगी। अब तो टेंशन मत लो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो कहीं चलकर बैठते हैं। चल।
सामान कितना है मेरे पास? हेलो, आई एम डीजे। लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं देखा। क्या किस सिलसिले में आए हैं आप? कोई भी इंसान किसी होटल में क्यों जाता है? एनीवेज, हू द हेल आर यू? डीजे, डीजे की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। वैसे मुझे लग रहा है आप किसी को ढूंढ रहे हैं। मैं जरा जल्दी ना। नहीं, मैं भी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। तुम ऐसा करो, रेस्टोरेंट आ जाओ, वहीं मिल लेते हैं। वो मुझे रास्ते में पड़ता है। ओके, ठीक है। तुम्हें आयजा को समझाना चाहिए, वो एक बार फिर गलती करने जा रही। तुम तो जानती हो उसके फैसले ऐसे ही होते हैं। उसे समझाना इतना आसान नहीं। लेकिन पता नहीं उसने ये सब कुछ क्यों किया। कल तक तो इतना खुश थी, फौरन शादी करना चाह रही थी, फिर अचानक मना कर दी। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। नहीं प्लीज, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम जाके उससे मेरे बारे में बात करो, बल्कि मैं पूछना चाह रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है इसलिए ये सब कुछ तुमसे कह दिया। मैं तो समझी थी पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया। मैं सोच रहा हूँ वो घर छोड़ दूँ। क्यों? और तुमने वो घर छोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे, वो भी ऐसे वक्त में जब उसकी जान को खतरा है? इसलिए कि वो समझती है कि शायद मैं उसकी जान का दुश्मन हूँ। और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए शक बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। देखो जिन हालात से वो गुजर रही है ना, उसमें तो इंसान किसी पर भी शक कर बैठता है। बड़े से बड़ा मजबूत इंसान भी नेगेटिव हो जाता है। और तुम तो आयजा को जानते हो, पहले से ही जज्बात है। लेकिन अगर फिर भी तुम ये समझते हो कि तुम दोनों के लिए अलग रहना ही बेहतर है, तो ये तुम्हारी मर्जी है। देखो, मेरे लिए सिर्फ आयजा की खुशी है। आंटी जब मुझे पाकिस्तान से यहाँ लाना चाहती थी तो मैं उनकी खुशी के लिए आ तो गया था, लेकिन मेरे यहाँ अब तक रहने की सिर्फ एक वजह, और वो है आयशा।
तो किस बात का है कि अब तक मेरी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाई। चाची जिंदा वाहेगुरु की कृपा। पुत्र यात्रे दो चार कुर्सियां ले आ दे अपने चाचे को भी। अब तो तूने बैंक खोल ले है? वो चाचे का फायदा भी करा देना। अपना ही खोल लिया बैंक यात्रे ने। उसकी जो नहीं पता है? वो बैंक मैनेजर हो गया मेरा पुत्र, और बैंक भी मैनेजर का ही होता है। स्या कर यार सफेद, किसे किसने पूछना है? क्यों भाई आते? ओ जी जी, सोलह ने सही बात की है बापू। एक बात बताऊं दलेर, वो तो वही चंगा जो मोड़े के साथ मोड़ा लगा के खड़ा हो। और अगर मेरा पुत्र भी तेरे पुत्र की तरह होता ना, हत्थी मार देता मैं उसको। तेरे दीदार के लिए तो मेरा गला भी खुशक हो गया है। ओ यात्रे मर जाने, तू इधर किधर? ओ तेरे नाल जरूरी गल करनी है। ओ जाता है या दुआ बाद में चाची को? ओ चाची, उली 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 उली, की हो गया प्रीतो तुझे, की हो गया है? ओ आखिर मैं भी तेरा कुछ लगता हूँ। ओ तू मेरा कुछ नहीं लगता, चल दफा यहाँ से। अंजना कर प्रीतो, अंजना कर। ना तुझे यहाँ नहीं आती। ना प्रीतो, तुझे किसी ने दसिया भी है कि मैंने एक नवी नकोर गड्डी ले ली है? और चल मेरे साथ चल, तुझे पिंड की वड्डी सड़क पे सैर करवाता हूँ, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा ठंडी ठंडी, ताकि तेरा मिजाज भी जो है ना वो ठंडा हो जाए। ओ चल निकल इधर से, वरना जूती ला लूंगी मैं। इंज ना कर प्रीतो, इंज ना कर, मेरे नाल व्याह कर ले, सोने से लद दूंगा। और तू जिसकी उम्मीदों पे बैठी हुई है ना माणी सिंह, उन्हें नहीं आना, कुंवारी की कुंवारी मर जाएगी। अच्छा, फिर मैं तेरे नाल ब्याह कर लवा? आहो, शकल देखी तूने कभी अपनी? तेरे से ब्याह करने से बेहतर है कि मैं जहर खाके मर जाऊं। ओ प्रीतो, तू चंगा नहीं कर रही है। तेरा जो ब्याह है ना, वो मेरे नाल होना है, मेरे नाल। और रह गया ना मानी सिंह, तो अब पिंड में वड़ेगा तो उसकी मैं टंगे वड़ दूंगा। ओ मुझे ना लगता है तूने ना अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी है। और तू रोकेगा मेरे मानी सिंह को? तू रोकेगा मेरे मानी सिंह को? आ लेने दे उसे, ऐसी तेरी टांगे तोड़वाऊंगी ना, कभी उठ भी नहीं पाएगा। प्रीतो, ओ प्रीतो, चल अपने चाचे को मेरे चल।
ते एक गल होर याद आ, जे कदी इत्थे आन दा दिल करे ना ते अपनी शक्ल शीशे च देखना ना भुलना। शक्ल शीशे च वेख के आई तुरी तो हुण ते तू सारी जाती जाते दी शक्ल वेखेंगी। फटाफट दस भी की काम आ, मैनू बड़ी छेती आ, छीजन आउट हो गया, गाहक नहीं आ रहे, जानी अंडी बड़ी परेशान, सारा गुस्सा निकल जाना मेरे से, फटाफट कर। यार मानी सिंह, मुझे लगता है कि तू बड़ा अच्छा आदमी है, तो मैं तेरी कुछ मदद करना चाहता हूँ। उठ उठ मेरा भरा, चल निकल लो। क्या हुआ? खेती कर निकल। हुआ क्या है? और तू मेरी मदद करेगा? और तू मानी सिंह पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड की मदद तू करेगा? वेखो यार, ओकी जमाना आ गया यार, और तू मदद करेगा मेरी? और तू तो आपे ही जूस उस दिन पीता है जिस दिन खून की बोतल बेच के आता है, और तू मेरी मदद करेगा यार? वेखलो जमाना की आ गया यार। ओए अपना कभी मुंह वेख, मुंह वेखे कभी अपना, तेरा मुंह पता किस तरह का लगता दसा? वो थके हुए जेडे अंग्रेज होंगे ना गोरे, उन्होंने की गलिया झाड़ू फिरने वाला लगना तू। तू मेरी मदद करेगा यार? अच्छा बैठ। नहीं मंदा बैठ, मेरे पास बैठ। देखो यार, देख मनी सिंह, मेरे पास एक प्लान। तेरे पास एक प्लान? मेरे पास 7500 प्लान है, 7500। तुझे पता है प्लान कामयाब किनके होते हैं? जिनके अपने प्लेन चलते हैं, साढ़े ताढ़े नहीं। पैसे चाहिए तो? कोई यही कोई 200-300 बात यार, मसाज कराने यार। यार कितनी छोटी सोच है तेरी, डॉलर्स की बात कर, डॉलर्स की। छोटी सोच? और तू वर्ल्ड बैंक का चौकीदार लगा हुआ, छेती छेती काम की गल कर यार, 10 पैसों की गल कर, कि लगे। देख मानी सिंह, अगर तू मेरे कहने पे चलेगा ना, मैं तुझे इतने पैसे दिलवाऊंगा तूने ख्वाब में भी नहीं देखे। ख्वाब में तुम्हारी सिंह बस प्रीतों को तक। ये लड़की देखी तुमने? हूँ। लड़की को देखा? केड़ी? मेरे हाथ में जो लड़की है, ये तस्वीर। ओ यहाँ आती अक्सर ये। ओ हाँ, इसको मानी सिंह बड़ी चंगी तरह जानता है, ये अपनी वो एजे मैडम है। हाँ तो बस इस पे नजर रखनी तुम्हें। इस पे तो पहले की नजर है मेरी, यानी कि इस पे नजर रखने के पैसे मिलेंगे। हाँ बस इस पे नजर रखनी तुम्हें, बस ये देखना कि कब आती है, कब जाती है, किससे मिलती है, कितनी देर के लिए मिलती है। यार अपना की नादरा जान, काम बड़ा खतरनाक है यार। हाँ लेकिन खतरनाक काम के पैसे मिलते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, किसी को पता ना चले कि तू उस पे नजर रख रहा है। ओए छड़ी है, और जो पता लगेगा जानी तुझे पता लगेगा। ओ यार तू अभी यार है अपना, तो कारोबार भी सांझा हो गया है, टेंशन नहीं लेनी। मानी सिंह प्राइवेट लिमिटेड के होते हुए टेंशन नहीं लेनी, बस बंदे रखो टेंशन ले। मानी, क्या सबको प्रीतो की तस्वीर दिखाते रहते हो? जी 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 मैडम आ गया। जी जी मैडम, क्या कह रहा था ये अंग्रेज तुमसे? हाँ जी, वो मुझसे कह रहा था कि कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। ये ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं मानी, हर किसी से दोस्ती लगाना ठीक नहीं है। और सही कह रही हैं जेनी मैडम आप, लेकिन चंगा बंदा, ही द नाइस मैन।
तुमको कैसे पता वो नाइस मैन है? और देखे जी, मानी सिंह को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और मानी सिंह आप बहुत ख्याल है पूरा। अच्छा ठीक है, अब जरा काम पर भी ध्यान दो। अपना जानी मैडम ये गल पूछू आपसे? हाँ पूछो। ये अपनी जो एजे मैडम है ये आजकल दिखाई नहीं दे रही, कहीं खैर ते है? बहुत परेशान है वो आजकल, पहले उसकी माँ का हादसा हुआ और अब उसको कोई मारना चाहता है। वैसे अपना जानी मैडम आपका क्या ख्याल है, ये कौन है? शामी रू, मुझको क्या पता, तुम आज ऐसे फिजूल सवाल क्यों कर रहे हो? ओ बस जी, असी भी इस दुनिया के बशिंदे हैं, हमें भी पता पूरा होना चाहिए कि की चल रहा है। तुम अपने काम से काम रखा करो, समझे? मैं तो लगता जी मैडम है ना, ये सारे काम मैं पा रही हूँ, सानू भी पैसा आ जाना। क्यों पैसा पैसा करनी है, क्यों पैसे दे तू मरनी है, हा हा। कहीं जा रहे हो क्या तुम? हाँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए कि अब इस घर में मेरे रहने की कोई वजह नहीं रही। जिस पे भरोसा ना हो और वो घर में हो तो नींद किसे आ सकती है? अफसोस है कि इतनी रातों से तुम्हें नींद ना आ सकी और मैं उसकी वजह ही ना समझ सका। तुम्हारी एक पल की नींद के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी जाग के गुजार सकता हूं। ये घर छोड़ना तो बहुत मामूली सी बात है, कहना चाहता हूं तुमसे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, और ऐसा भी करता रहूंगा। जिंदगी में हर किसी को हर चीज नहीं मिलती। देखो तुम्हारे पास जो आसाइशें हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो देख के उसको रश करते होंगे, उनके दिल में हसरत होगी कि उनके पास भी ये सब कुछ होता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, जिनके पास ये सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, कुछ महरूमियां हैं जो उन्हें खुश नहीं रहने देती शायद। लेकिन जो दुख मैंने राजम को दिया है वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। डेरी